नमस्कार। जन सरोकार मंच टॉक की ओर से एक बार फिर मैं हाजिर हूं डॉक्टर रविंद्र माल। आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान बीकानेर के नामचीन साहित्यकार जुगल किशोर पुरोहित जी। मैं अपने पूरे सभी दर्शकों की ओर से और हमारे जन सरोकार मंच टॉक की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। इससे पहले कि हम बातचीत का मसला शुरू करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जुगल किशोर जी बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, लेखक हैं, समाज सेवी हैं। आपके प्रकाशन राजस्थान पत्रिका, भास्कर, युगपक्ष, लोकमत आदि सभी लगभग सभी समाचार पत्रों में आपके लेख, कविताएं, समीक्षाएं आती रहती हैं। इसके अलावा राजस्थानी में भी आप हस्तक्षेप करते हैं। मधुमती, राजस्थानी गंगा, संबल, नैनसी, जागति ज्योत, पुष्करणा संदेश, अक्षर खबर, मरु गुलशन आदि में निरंतर आपके आलेख और काव्य व्यक्तित्व कृतित्व आदि प्रकाशित होते रहे हैं। आपकी पूर्व में किताब भी प्रकाशित हो चुकी है जो राजस्थानी भाषा में है, गाथा हमारे देश री। और इसके बाद में आपकी हिंदी में भी कविताओं का किताब प्रकाशित हो चुकी है जिसका नाम है सृजन का आलू, जो कि मेरे हाथ में भी है, हिंदी कविता संग्रह। मैं सर का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बातचीत शुरू करने से पहले मैं सर से पूछना चाहता हूं कि आपका जो बचपन रहा, आपका आप जहां पैदा हुए, आपका बचपन, आपकी स्कूलिंग, आपका परिवार, इसके बारे में थोड़ी बहुत बात है। सम्मानीय रविंद्र जी भाई साहब, बीकानेर का ही और बीकानेर में कोट गेट जोशीवाड़ा में मेरा मकान है, जो हमारे माता पिता जी वहीं रहा करते थे, वो रेंटल मकान हमारा वो ही है। मेरे पिताजी रेलवे वर्कशॉप में कार्यरत थे, इंस्पेक्टर के पद के थे वो, लेकिन मेरी माता जी एक आदर्श शिक्षिका थी, उन्हीं से हमारे को ये संस्कार मिले हैं। इसके अलावा मेरे नाना जी आदरणीय भवानी शंकर जी व्यास विनोद साहब जी और मेरे नाना जी आदरणीय अपने डॉक्टर राजेंद्र जी व्यास साहब, वो भी बहुत बड़े संगीतकार थे, लोक नाट्य में रुचि रखते थे, उनकी वजह से मेरी ये संस्कार मेरे अंदर आए और फिर मैंने लिखना प्रारंभ किया। तो कहीं ना कहीं आपकी जो जो पीढ़ियाँ हैं, जो आपकी परंपरा है, वो है ही सही और संस्कारों में ही आपका लिखना और ये सब रहा आपकी। लेकिन जो प्रारंभिक साहित्य की यात्रा है, ये कहाँ से शुरू हुई? जब मैं छोटा था तो मैं सावी हायर सेकेंडरी स्कूल में उनमें पढ़ा करता था। उस समय मेरे नाना जी और हमारे बीकानेर के बहुत बड़े साहित्यकार कवि सम्मेलन आयोजित करवाते थे, तो मैं उन कवि सम्मेलनों में निरंतर जाता रहता था। वहीं से मेरे मन में आशा जगी कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए। उसके बाद में हमारे बीकानेर में नागरी भंडार एक स्थान है जी, उस स्थान पे कवि गोष्ठी साहित्य कार्यक्रम निश्चित होते रहते हैं, वहाँ से फिर हमने ये प्रेरणा ली और वहाँ निरंतर मेरा जाना रहता था और वहीं से मुझे ये संस्कार मिला, मैंने लिखना प्रारंभ किया जी। सर, हम आपकी प्रारंभिक जो कविताएं रही हो वो सुनना चाहते हैं, शुरुआती दौर में आपने कैसा लिखना शुरू किया? शुरुआत में तो मैंने अपने परिवेश को देखा तो मुझे महापुरुषों से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है और माँ सरस्वती जी उनकी मेरे को हमेशा कृपा रही है, तो मैं आपके सामने एक माँ सरस्वती जी की गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे माँ शारदे खुनो मेरी, हे माँ शारदे सुनो मेरी, हम तो तेरी शरण में आए हैं। हे माँ शारदे सुनो मेरी, माँ बिन चार हम रहे न रहे, माँ बिन चार हम रहे तेरा वैभव सदा
तेरा ही साथ रहे हे माशारे, सुनो मेरी हमने तुम ही से लिखना सीखा है, हमने तुम ही से स्वर को साधा है, हमें तुम पर सदा यकीन रहे हे माशारदे, सुनो मेरी माँ तुम ज्ञान को भरो इस दिन, माँ तुम संस्कार दो इस दिन, हे माशारदे सुनो मेरी माँ वरदान गीत का, मेरे स्वर को भजन बना देना हे माशारदे सुनो मेरी। जय हिंद। बहुत ही बढ़िया सरस्वती जी का कविता, और मैं पूर्व जी से ये आग्रह करता हूँ कि आपकी जो राजस्थानी कविताएं आपने जो लिखी, इसका सिलसिला कहाँ से प्रारंभ हुआ? राजस्थानी का जहाँ तक प्रश्न है, हमारे बीकानेर में ही पंच मंदिर एक स्थान है, वहाँ पर हमारे वरिष्ठ आदरणीय साहित्यकार शीला नथमल जी जोशी जी, जो पहले उपन्यासकार थे, उनके सानिध्य में मैं जाया करता था, तो उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी कि आपको राजस्थानी भाषा में भी लिखना चाहिए, और राजस्थानी जो कि हमारी मूल भाषा है, हमारे प्रांत की भाषा है, और राजस्थानी भाषा को मान्यता भी मिलनी चाहिए। तो मेरे मन में निरंतर ही प्रयास उठता रहा कि राजस्थानी बोलने में भी बहुत सरल भाषा है, और हमारी मातृभाषा होने के साथ साथ में हमारे जितने भी संस्कारों में ये रची बसी है, चाहे हमारे तीज त्योहार हो, चाहे हमारे गणगौर के गीत हो, चाहे हमारे राजस्थानी गीत हो, चाहे हमारे बीकानेर के गीत हो, चाहे हमारे पूरे प्रांत की बात करें, तो राजस्थानी बहुत ही मीठी भाषा है। मुझे इस भाषा का चयन करना अच्छा लगा, और मेरे मन में ये भाषा जागृत हुई कि मुझे भी राजस्थानी भाषा में कुछ लिखना चाहिए, और मेरी पहली पुस्तक गाथा मारे देश की वो राजस्थानी भाषा में प्रकाशित हो सकी। उसके राजस्थानी कोई गीत अगर आप सुनाएं या कोई कविता। कई बार मेहमान और अतिथि आते हैं तो मैं राजस्थानी भाषा में उनको स्वागत करता हूँ कि हुडे में हर्ष अपार हुयो आया थी महारा पावणा, एक रचना रो सम्मान हुयो एक मानस रो सत्कार हुयो, हुडे में हर्ष अपार हुयो आया थी महारा पावणा। राजस्थानी के अंदर मुझे ये गीत बहुत अच्छा लगता है, जब मैं राजस्थानी भाषा में अपने मेहमानों को उनकी अवगत करता हूँ तो मुझे राजस्थानी भाषा बहुत मीठी लगती है, राजस्थानी के गीत भी बहुत मीठे होते हैं, और सच में तो राजस्थानी भाषा में जो बात लिखी है विद्वानों ने, उस भाषा की कोई शानी नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन आज तो हिंदी पे भी खतरा हो रहा है, क्योंकि सारा कार्य अंग्रेजी में होने जा रहा है। जब हम राजस्थानी भाषा की मान्यता की बात करते हैं तो मुझे तो ये दिखाई पड़ता है कि हिंदी संकट में आ रही है, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और राजस्थानी हमारी राजभाषा होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। चलिए हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बस ये जरूर जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई मंच, ऐसा कौन सा स्टेज था जहां पर आपने पहली बार अपनी कविता पढ़ी, और उसके बाद आपको लगा कि हाँ मेरे अंदर एक कवि हृदय है, मैं कविता बोल सकता हूँ, मैं कविता लिख सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस, वो कवि हृदय जब जाग जाता है? सबसे पहले मैंने जो राजस्थानी और हिंदी की कविताएं पढ़ने का सिलसिला प्रारंभ किया, उसमें हिंदी विश्व भारती हमारे नागरी भंडार है फोर्ट स्कूल के सामने लिखा नहीं रहा, तो वहाँ निरंतर कार्यक्रम होते रहते थे, तो वहाँ डॉक्टर दिवाकर जी शर्मा साहब थे, वो हिंदी विश्व भारती को चलाते थे। इसी प्रकार से हमारे अम्बिका दत्त जी शास्त्री बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी छतों पे भी निरंतर कार्यक्रम होते रहते, तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे को प्रेरणा देते थे कि आप राजस्थानी में लिखिए, आप हिंदी में लिखिए। और इसके अलावा हमारे बीकानेर के बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने निरंतर अपने जीवन को राजस्थानी भाषा के लिए समर्पित कर दिया है। कुछ के आपके उदाहरण रखता हूँ आपके सामने, जैसा हरीश जी वादाणी बहुत अच्छे
राजस्थानी में भी लिखते थे, हिंदी में भी लिखते थे। गौरी शंकर आचार्य जी अरुण वो भी लिखा करते थे हिंदी और राजस्थानी में। श्रीला लखनऊ जी जोशी बहुत अच्छा लिखते थे। और इसके अलावा हमारे आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी रंगा साहब वो भी राजस्थानी के बहुत अच्छे हैं। उसके आगे की बात में जाए तो मालचंद तिवारी बहुत अच्छे लेखक के राजस्थानी के। कमल रंगा जी अच्छे लेखक के राजस्थानी के। डॉक्टर मदन सैनी जी राजस्थानी के अच्छे लेखक है। तो एक निरंतर ये हमारे श्रृंखला चलती रहती है। और ये होता है कि वरिष्ठ लोगों से युवा पीढ़ी सीखती है और युवा पीढ़ी से किशोर पीढ़ी सीखती है। तो ये संस्कार हमारे राजस्थान और बीकानेर में लंबे समय से चल रहे हैं और इसी के कारण इसका राजस्थानी भाषा में विकास हो रहा है, लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए एक समय था जब बड़े बड़े कवि राजाओं की गाथाएं लिखते थे। एक समय ऐसा आया जब क्रांति के लिए कवियों ने लिखा। हर एक समय में कवि अपने आप में बड़ा प्रासंगिक होता है। आज के इस दौर में कि जब हम एक आधुनिकता के एक ऐसे जंजाल में फंस गए हैं, तो ऐसे समय में कवि का दायित्व क्या है? साहित्यकारों का दायित्व बहुत बड़ा होता है। लेखक और कवि ये सभी मिलकर के समाज को परिवर्तित कर सकते हैं। इनकी लेखनी से संस्कार मिलते हैं और संस्कार से व्यक्ति आगे बढ़ता है। उज्ज्वल संस्कार होंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति का भविष्य भी उज्ज्वल होगा। जहाँ तक राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषाओं की बात करें और हमारी लेखनी की बात करें, तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा गुरु अपने घर में अपने संस्कारों में माता होती है। उसके बाद में पिताजी को भी गुरु के रूप में ही देखा जाना चाहिए। फिर हमारे जहाँ विद्यालय हम पढ़ने जाते हैं वो गुरु जी होते हैं। इन तीनों के माध्यम से व्यक्ति आगे बढ़ता है। जब इन तीनों संस्कार उस व्यक्ति में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से वो खुद ही सृजन करने लग जाता है। एक सृजन एक चेतना का नाम है, सृजन एक आंतरिक लयबद्धता का नाम है, आंतरिक विचारों का नाम है। और कविता कैसी होनी चाहिए? कविता तो ऐसी होनी चाहिए जो संप्रेषणशीलता रखे। कोई व्यक्ति कविता पढ़े उसका प्रभाव अमिट रहना चाहिए। कविता सरल होनी चाहिए और कविता में शब्द जो होने चाहिए, वहां तक मैं समझता हूँ कि छंदबद्ध कविता बहुत अच्छी होती है। लेकिन आज के युग में छंदबद्ध कविताएं कम लिखी जा रही है। आज के युग में जो रचनाएं लिखी जा रही है वो वर्तमान समय को लेकर के लिखी जा रही है। चाहे कन्या भ्रूण का मामला है, चाहे हमारे देश में बढ़ते हुए अपराध है, चाहे गरीबी है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे अत्याचार है, इनको लेकर जो रचनाएं सृजित की जा रही है वो भी काबिले तारीफ है। क्योंकि समय के साथ में परिवर्तन होना निश्चित होता है और ये क्रम निश्चित निरंतर चलता रहता है। तो इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए साहित्य का सृजित का होना बहुत जरूरी है। आपकी कविताओं में कोई ऐसा संदेश रहा हो जिसमें आपकी कविता अगर सुनाना चाहें? मूल रूप से मैं आपको एक कविता सुना दूं पहले, हिंदी की कविता आपके सामने रखूंगा, दूसरी मैं रखूंगा राजस्थानी की आपके सामने। जब व्यक्ति भावुक हो जाता है, जब व्यक्ति हर्ष में होता है, जब व्यक्ति दुख में होता है और जब व्यक्ति के अंतर में खुशियां जागृत होती है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के मन में आंसू आते हैं। और मेरी कविता का शीर्षक है आंसू। तो मैं एक रचना आपके कि आंसू का गिरना भी क्या है और मानव का रोना भी क्या है, कि आंसू का गिरना भी क्या है, मानव का रोना भी क्या है, और आंखों में आंसू क्यों आते हैं, कि आंखों में क्यों आते हैं आंसू, क्या सोचा है, कब कब और क्यों क्यों आंखों में आते हैं आंसू, क्या सोचा है कि कब कब और क्यों क्यों आंखों में आते हैं आंसू। अब देखिए कि गम में भी आते हैं आंसू और आंसू हर्ष खुशी में आते हैं, कि गम में भी आते हैं आंसू, आंसू हर्ष खुशी में आते और अंतर मन की यादें लाती है प्रियजनों की याद में आंसू। क्या बात है, कि अंतर मन की यादें लाती प्रियजनों की याद में आंसू, आंसू बया हकीकत करते आंसू हर जीवन में आते, कि आंसू बया हकीकत करते आंसू हर जीवन में आते। हाँ मैं आंसू पूछना चाहूं मेरी आशा अभिलाषा यह, हाँ मैं आंसू पूछना चाहूं मेरी आशा अभिलाषा यह, देखिए कि दुख दर्द के आंसू न हो, दुख दर्द के आंसू न हो, बड़े खुशी के आंसू प्रतिदिन, और आगे देखिए कि माँ की वत्सलता में आंसू, क्या बात है, ईश्वर की भक्ति में आंसू, क्या बात है। हाँ मैं ये चाहूंगा अब तक मेरे सुख औरों को बांटू, वाह, मेरे सुख औरों को बांटू, मेरे हिस्से की रोटी भी भूखे भाई को पहले दू। पूछू मैं अनाथ के आंसू, कन्या के आंसू पूछू मैं, और असहाय के आंसू रोकू,
रोगी के आंसू रूपों में अंतिम बंद है जी। उसे हंसी मेरी दे तू मैं परम पिता परमेश्वर से मैं करो प्रार्थना आंसू मत दो। हाँ खुशी उमंग भक्ति के आंसू बहे हमेशा जीवन पथ पर। हाँ मेरी अभिलाषा इच्छा या हाँ मेरी अभिलाषा इच्छा या आंसू पूछू दीन हीन के क्या आंसू पूछू दीन हीन के। ये जो आंसू पूछू दीन हीन के जो बात है ये कवि का हृदय ही इस तरह की बात रख सकता है। इसका जो मेरा अगला जो क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था एक्चुअली। तो अच्छा हुआ आपने एक कविता सुनाई तो एक भूमिका स्वतः ही बन गई। वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अंजा। सुमित्रा नंदन पंत जी की ये कवि ये जो कविता है जो लाइनें हैं ये बहुत ही प्रासंगिक है। हर समय के लिए हर दौर के लिए हमेशा ही प्रासंगिक रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो वियोग आह पीड़ा इन सब चीजों का कवि मन से इतना गहरा ताल्लुक क्यों है ये नाता क्यों है। कवि मन से गहरा नाता इसलिए है कि कवि एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें एक शक्ति होती है जिसमें क्षमता होती है। भूतकाल को लेकर को वो चलता है वर्तमान में वो रचना करता है और भविष्य को जानने की उसमें क्षमता होती है। इसी वजह से अक्सर ये कहा जाता है कि कवि कालदर्शी होता है और भगवान ने कवि को इसलिए बनाया है कि वो सुंदर रचना का सृजन करे और संसार को एक सुंदर गीत दे एक संगीत दे एक संस्कार दे जिससे ये जग आलोकित हो सके। यही वजह है कि कवि का जो अंतर्मन होता है वो किसी भी स्थिति को समझने में सक्षम होता है सक्षम और वो सृजन धर्मी बन जाता है। इसी वजह से आपके सामने में जब ये बहुत अच्छा आपने विषय रख दिया है कि कवि का अंतर्मन इतना भाव को क्यों होता है आपको कविता के माध्यम से जरूर हमारे टीम के अरुण जी भाई साहब है रविंद्र जी आप तो कोटा से पधारे हो तो कम से कम बीकानेर की जो रचनाएं हैं वो आपको अच्छी लगी है इसके लिए मैं आपके तहे दिल से तारीफ करता हूँ स्वागत करता हूँ और आपने मुझ इस नाचीज को इतना समझा इसके लिए भी आपका हार्दिक आभार करता हूँ प्रकट करता हूँ। मैं आपके सामने दो गीत रखता हूँ जब आंसू की और वियोगी की बात आई तो अंतर्मन की चेतना की बात माता पिता को समर्पित है ये हे मात पिता तेरी गोद में जीवन बीता है तुमसे ही है संसार। हे मात पिता तेरी गोद में बचपन बीता है तुम ही से है संसार। जब हमने जन्म लिया तूने ही पाला था जब सांस किया हमने तूने ही साफ किया अब तेरी कृपा से आज हम सुख से जीते हैं तेरा ही है उपकार। हे मात पिता तेरी गोद में सब कुछ सीखा है तेरा ही है उपकार। दूसरा भाग देखिए जी जब यौवन आया तो तुमने रिश्ता देखा करके शादी तुमने अपना ये फर्ज निभाया है तुमसे ही है घर बार। है मात पिता तेरी गोद में जीना सीखा है तेरा ही है उपकार। जब अंत समय आया हम कुछ ना कर पाए माँ बाप का साया आज कर याद रोते हैं तुमसे ही है घर बार। ए मात पिता तेरी गोद में बचपन बीता है
तुमसे ही है संसार, आ जाओ पास मेरे छोड़ के उस दुनिया को, तुमसे ही है घर बार। हे मात पिता तेरी गोद में जीना सीखा है, तेरा ही है उपकार। क्या बहुत ही सुंदर बेटा। एक बात हम कुछ देर पहले कर रहे थे कि राजस्थानी भाषा और उसके जो भाषा को, राजस्थानी भाषा को जो स्थान मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया, बनिस्पत उसके कि हम कन्नड़ और दूसरी जो भाषाएं हैं उनको जो एक स्थान मिल गया, जबकि राजस्थान भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा है। मैं खुद वहाँ हड़ौती में देखता हूँ, वहाँ के कवियों को सुनता हूँ, राजस्थानी में अपना बीकानेर तो बहुत ही गढ़ है तो देखने का। फिर भी आपको क्या लगता है सर कि क्या कारण रहा होगा कि राजस्थानी भाषा को वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके लिए वो डिजर्विंग करती है? बहुत ही सटीक, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रासंगिक आपका प्रश्न है। इसके बारे में मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि राजस्थानी भाषा में जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, राजस्थानी की भाषा के लिए जो लिखने के लिए लोग आतुर रहते हैं, युवा वर्ग भी लिख रहा है, मूल रूप से क्या होता है कि हमारी सरकारें बदल जाती हैं और सरकारों के बदलने से क्या होता है कि आज मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, हम लोगों ने भागदौड़ की, सभी साहित्यकारों ने लोगों को ज्ञापन दिए, उनसे मिले करे, लेकिन बाद में क्या होता है कि जैसे मसला आगे जाता है वहां आगे सरकार बदल जाती है और वो बात वहीं क्यों फिर जीरो है, वहां जीरो हो जाती है। हालांकि हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल साहब ने बहुत प्रयास किया है, संसद में उन्होंने प्रश्न उठाया राजस्थानी भाषा के लिए, हमारे बीकानेर से वी टी कल्ला साहब ने बहुत प्रयास किया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि राजनेता नहीं चाहते, लेकिन राजनेताओं को चाहते हुए भी कुछ ऐसी राजनीति हो गई है जहां से हमारी बात बनते बनते वापस बिगड़ जाती है। इसके लिए हमारे को एक जन आंदोलन करना होगा। ठीक है, अब लेखक लिखते हैं राजस्थानी में, राजस्थानी भाषा साहित्यकार भी बहुत अच्छा काम करती है, जबकि हमारे यहाँ पर साहित्यकार भी, साहित्यकार भी बीकानेर की है, यहाँ लोग अच्छा लिखते हैं, युवा भी लिखते हैं, वरिष्ठ भी लिखते हैं, लेकिन उनका एक दायरा सीमित हो गया है। इस सीमित दायरे से आगे निकल के हमारे को निकल करके हमारे को जो कॉलेज के विद्यार्थी है उनको जोड़ना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि राजस्थानी भाषा को यदि मान्यता मिल जाती है तो रोजगार से जोड़ा जा सकेगा। आज बहुत सारे कॉलेज है, बहुत सारी स्कूल ऐसी हैं जहाँ प्राथमिक राजस्थानी के शिक्षक नहीं है, वो नहीं है तो क्या है? युवा वर्ग उससे भ्रमित हो जाता है, वो ये देखता है कि राजस्थानी में तो आगे कोई स्कोप है नहीं, नहीं है। तो इसकी वजह से मैं क्यों लिखूं, तो इसका भी कुछ माइनस पॉइंट ये जाता है। इसके अलावा राजस्थानी भाषा बहुत समृद्ध भाषा है, लिखते हैं, हमने भी जन आंदोलन किया है, बीकानेर भी होते हैं, लेकिन और व्यापक रूप में आंदोलन की आवश्यकता है, सरकार तक ये बात को जो रूप से पहुंचाने की आवश्यकता है कि ये हमारी राजभाषा होनी चाहिए, चाहे सरकार कोई भी आए, हमारी ये मांग है और बसों से हम कर रहे हैं और ये वाजिब मांग है। सरकार को इस बारे में थोड़ा सकारात्मक, माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, माननीय हमारे जो हमारे कलेक्टर साहब है, उनको भी अपने स्तर पर इस बात को आगे बढ़ाना होगा, एक जन आंदोलन के रूप में, चाहे पोस्ट कार्ड के रूप में, चाहे राजस्थानी भाषा के बारे में ज्यादातर गोष्ठियां इस प्रकार आयोजित की जाए जिन राजस्थानी भाषा की बात हो, राजस्थानी भाषा की मांग की बात हो, राजस्थानी की महिमा की बात हो और राजस्थानी भाषा के संस्कारों की बात हो और रोजगार से जोड़ने की बात हो, ये तमाम पहलू इसमें समाहित हो जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों के, आप चैनल के माध्यम से इतना प्रयास कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया राजस्थानी भाषा के, तो ये भी एक राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने के लिए आपका बहुत बड़ा एक नींव का पत्थर बन जाता है। तो आपने इतनी यात्रा की, इतने लोगों से मिले हो, तो आपने विचारों को सुना है, सचेत किया, तो आपको पता चला और आपके मन में भी पीड़ा है कि राजस्थानी भाषा को हमारी राजभाषा है, मान्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए, जबकि सबको मिली हुई, सभी भाषाओं को मिली हुई है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जाकर के राजनेताओं की बात नहीं करता, राजनीतियां की आ रही है। नेता प्रयास करते हैं, उनके पास जाते हैं, वो अपने स्तर पे प्रयास करते हैं, अपने अपने स्तर पे प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी इसकी व्यापक रूप से इसको आगे बढ़ाने के लिए इस बात को हमारे को जन आंदोलन करना होगा। जन आंदोलन ऐसा जो शांति पूर्वक हो और जन आंदोलन के साथ साथ में अपने लेखन को भी प्रखर करना होगा, तभी राजस्थानी भाषा के बारे में मान्यता मिलेगी
और इसके लिए मैं चाहूंगा कि कॉलेज के जो लोग हैं उनको भी जोड़े, छात्रों को भी जोड़े, विद्यार्थियों को भी जोड़े, सभी को जोड़े, तो एक बहुत बड़ा सरकार के सामने प्रस्ताव जाएगा और उसको एक बाध्यता के रूप में इसको स्वीकार करना पड़ेगा। राजस्थानी भाषा को मान्यता देनी ही है, तो हमारे प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे। हम जन सरोकार मंच टॉक की ओर से, इस मंच की ओर से भी इस क्षेत्र के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि राजस्थानी भाषा के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके प्रति आपको जो भी कदम उठाने हैं वो उठाने चाहिए, अन्यथा ये भाषा, लिखना, साहित्य सब कुछ विलुप्त हो जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा जब राजस्थानी बहुत बुरे हाल में होगा। तो हम इस मंच से भी ये अनुरोध करते हैं कि राजस्थानी भाषा को जो न्याय मिलना चाहिए वो दिलवाए। बहरहाल आपका मंच बहुत अच्छा है, मैं इसमें आपकी बात को रखना चाहता हूँ। जन सरोकार मंच, आपका जो नाम है जन सरोकार मंच, ये नाम ही अपने आप में बहुत प्रभावी है साहब। जनता की बात को सुनते हो, जनता के दुख और सुख से आप सरोकार रखते हो और इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के घर जाकर के उनसे आप इतने आदर के साथ में, रेस्पेक्ट के साथ में उनकी आप विचार सुनते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो मैं जन सरोकार मंच के रविंद्र जी भाई साहब को और हमारे अरुण जी भाई साहब को भी बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ कि आपने भी बहुत मेहनत की है, इसलिए मैं आपका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सर, आपने कुछ देर पहले बताया कि युवा भी राजस्थानी में लिखा है, तो आपने बहुत लंबी यात्रा तय करी है, आपने तो तब लिखा जब बहुत 30 साल से ज्यादा आपको लिखते हुए हो गए हैं, मैंने पढ़ा आपको दिलाने, तो अब जो युवा लिख रहे हैं उनको किस तरह से लिखना चाहिए, वो श्रृंगार में लिखे हैं, वीर में लिखे हैं या जैसे भी लिखे, उनको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, उनको इस क्षेत्र में रुझान कैसे बढ़े, इस पर भी अगर आप कुछ। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। युवा पीढ़ी के बारे में तो कुछ लोग तो बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं कई बार सोचता हूँ कि जो लोग 20-20 सालों से 30-30 सालों से लिख रहे हैं उनके सामने वो अगर अपनी प्रस्तुति देते हैं तो बहुत काबिल तारीफ प्रस्तुति होती है, तो मैं उनकी तो सराहना करता हूँ, क्योंकि ये संस्कार तो स्वतः ही आते हैं, एक अभिप्रेरणा और एक स्वयं प्रेरणा, तो मैं स्वयं प्रेरणा को इसमें ज्यादा मानता हूँ। अभिप्रेरणा तो मान लीजिए ये हो गई कि किसी व्यक्ति ने किसी को प्रभावित किया, उनकी संगत में वो बैठा तो निश्चित रूप से वो भी संस्कार सीखेगा, लेकिन जब स्वयं प्रेरणा से व्यक्ति काम करता है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। कविता में 3-4 बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। एक वो कविता होनी चाहिए जिसमें एक सरलता हो, भैया 100 आदमियों के बीच में हम बैठे हैं, 50 आदमियों के बीच में बैठे हैं, तो वो कविता आपकी संप्रेषित होनी चाहिए, क्लिष्ट भाषा नहीं होनी चाहिए उसमें। दूसरी मैं ये कहता हूँ कि आज कुछ मंच ऐसे हो गए हैं जहाँ पर ये पहले कवि सम्मेलन बहुत हुआ करते तो बंद हो गए हैं, आजकल ये बंद कमरों में 4 दीवारी में कवि सम्मेलन ये आयोजित होते हैं, तो ये कवि सम्मेलन अब खुले में होने चाहिए। रचना लिखने के बारे में व्यक्ति को बहुत बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, तो भाई ये कविता की लाइन मैंने यहाँ लिखी है, फिर उसको खुद को पढ़ना चाहिए, फिर 3-4 बार पढ़े, 2 बार पढ़ेगा, हाँ भी ये सही है, जब अपना मन ये कह देगा हाँ सही है तो फिर वो सही मान लेनी चाहिए। उसके बाद में जो लोग पढ़ते हैं उसे सीखना भी चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ कि कई लोग ऐसी कविताएं पढ़ जाते हैं उनको अर्थ पता नहीं है और उसमें फोर्ड भाषा का प्रयोग होता है, लोग तालियां बजा देते हैं, अरे ये क्या कविता मजाक थोड़ी है, कविता कभी मजाक नहीं होती है, कविता तो आत्म चिंतन है, सामाजिक सरोकार है, जैसे आपका मंच है तो कविता में सामाजिक सरोकार नहीं आए, उसमें चिंतन नहीं आए, उसमें वेदना नहीं आए, उसमें वर्तमान समय के भाव नहीं आए, वर्तमान चिंतन नहीं आए, तो वो कविता नहीं बन सकती। मैं ये नहीं कहता कि भाई छंदबद्ध कविता लिखो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी, लेकिन कविता का कोई अर्थ तो होना चाहिए, अर्थहीन कविता का कोई मतलब नहीं होता है। कई बार लोग मंचों पर मैं देखता हूँ कि अर्थहीन कविता के बारे में भी तालियां बजा देते हैं, और भाई कविता को आप समझो सुनो उसके बाद में कविता लिखना कोई सरल काम नहीं है, नहीं है, और कविता के अंदर जो जो भाव आते हैं सामने वाला व्यक्ति बैठा उस चीज को अनुभव करे तब वो कविता है, या तो उसकी आंखों में आंसू है या वो शांति से बैठ करके सुने वो कविता है। अब मैं कविता पढ़ रहा हूँ या आप कविताएं पढ़ रहे हो और श्रोता कोई बातें कर रहा है कि वो समझ रहे हैं कविता में कोई दम ही नहीं है, तो ऐसी कविताएं नहीं होनी चाहिए, कविताएं होनी चाहिए संदेश पर, कविताओं में गीत और लयबद्धता हो तो अच्छी बात है जी। नहीं तो सामाजिक सरोकार, अंतर्मन की चेतना, अंतर्मन के भाव और कविता को भविष्य के लिए भी कुछ जानने की शक्ति उसमें रखनी चाहिए, कवि या कविता दोनों में ये बातें होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से कविता काल सही होती है।
पुरोहित जी, हम बातचीत के लगभग अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब हम अंत में एक कविता और आपसे सुनना चाहते हैं जी, और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। एक कविता है, सर्वत्र मंगल की कामना करती हुई। जी, जी। क्योंकि कवि और साहित्यकार इसका शाब्दिक अर्थ ही है कि सबका हित होना चाहिए। तो मेरी ये रचना है, ये गीत है, राष्ट्रीय कवि चौपाल बीकानेर, हमारे बीकानेर में हमारे यहाँ हुआ करता है, अभी भी चल रहा है। नेमचंद जी गहलोत साहब इसको चलाते हैं और बीकानेर के बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं। हमारे रामेश्वर जी साहब भी उनसे जुड़े हुए हैं जी, शिव प्रकाश जी, राजेश साहब भी, बीकानेर के बहुत सारे लोग जुड़े जी। तो ये जो एक गीत आपको सुनाता हूँ मैं जरूर, कि कवि मंगलम कवि चौपाल मंगलम, कवि मंगलम कवि चौपाल मंगलम, साहित्य मंगलम गुणवान मंगलम, धर्म मंगलम नित हो कर्म मंगलम, धर्म मंगलम नित हो कर्म मंगलम, दीन दुखी की सेवा करना काम मंगलम, कवि मंगलम कवि चौपाल मंगलम, कवि मंगलम सदा विद्वान मंगलम, गुणी मंगलम सदा हो शब्द मंगलम, भाईचारे संग हमेशा प्रीत मंगलम, भाईचारे संग हमेशा प्रीत मंगलम, तुलसी मंगलम हमारे पीपल मंगलम, मंदिर मंगलम सदा भगवान मंगलम, मंदिर मंगलम सदा भगवान मंगलम, मस्जिद मंगलम गुरुद्वारा मंगलम, ईश्वर अल्लाह एक है सब धाम मंगलम, धरती मंगलम हमारी माता मंगलम, वेद मंगलम सदा कुरान मंगलम, तीर्थ मंगलम हमारी नदियां मंगलम, देश मंगलम देश भक्ति मंगलम, कवि मंगलम कवि चौपाल मंगलम। जय हिंद। बहुत ही बढ़िया सर। अंत में बस एक अंतिम बात कि हमारे जितने भी सुधी दर्शक हैं उनको, कवियों को, साहित्यकारों को, मित्रों को, सभी लोगों को आपका क्या संदेश है? टॉक से हमारे बीच में जन सरोकार मंच के माध्यम से रविंद्र जी वैशाव आए, अरुण जी वैशाव आए और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। पहले तो आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि अर्थव्यवस्था के इस दौर में भी आप सामाजिक सरोकार को साथ लेकर के चलते हो, जो जीवन का मूल आधार है। इसलिए मैं पुनः आपको बधाई प्रेषित करता हूं और आपके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि सदैव व्यक्ति को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सबसे पहला काम जीवन का पहला काम, अगर उसको आगे बढ़ना है तो। जिस व्यक्ति ने माता पिता की सेवा नहीं की है उसका आधा पुण्य तो वही छीन हो जाता है। अपने गुरुजनों की इज्जत करनी चाहिए जी। उसके बाद में अब साहित्य के माध्यम से जब वो अपनी पहचान बनाते हैं, लिखते हैं, तो साहित्य में क्या लिखा है उसका मूल्यांकन खुद को करना चाहिए। तो मैं सभी लोगों को यह संदेश देना चाहूंगा कि सर्वत्र मंगल की कामना करने वाला साहित्य लिखा जाना चाहिए। तो साहित्य में तो समरसता होनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि एक समरसता होनी चाहिए। हमारे हिंदी के बहुत बड़े विद्वान और सबसे हमारे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, तो तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि परहित सरिस धर्म नहि बाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। साहित्य से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। साहित्य हमेशा सामाजिक सरोकारों के साथ लिखा जाना चाहिए। समाज में यदि कोई किसी प्रकार की प्रासंगिकता है तो उसको लेकर के बुलंदगी के साथ लिखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे को ये कि सरकार कहेगी तो मुझे ये पुरस्कार नहीं मिलेगा। नहीं, पुरस्कार को कोई मायना नहीं है। पुरस्कार अपनी जगह, अपने विचार अपनी जगह, संघर्ष अपनी जगह, अपना धरातल अपनी जगह, अपनी लेखनी अपनी जगह,
सामाजिक सरोकारों के साथ में कभी भी समझौता ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी को दुख पहुंचे, किसी को क्षति पहुंचे। और कविता और साहित्य भी ऐसा सृजन किया यह जाना चाहिए जिससे हमारे संस्कार आगे बढ़े, जिससे युवा पीढ़ी आगे बढ़े, जिससे हमारे अंतर्मन की चेतना जागृत हो, जिससे सामाजिक विकास हो, जिससे राज्य का विकास हो, जिससे देश का और जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये भाव लेकर कविता का सृजन करना चाहिए, मेरा इतना ही कहना है। जी रोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपने अपना समय निकाला और आप अपनी लेखनी जारी रखें, हमेशा ऐसे ही सतत लिखते रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारी सभी ऑडियंस की ओर से आपका पुनः धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। आपका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ, रविंद्र जी का, अरुण जी भाई साहब का भी बहुत बहुत आभार। आपने इतनी दूरी से यात्रा करके आप मेरे घर तक आए और आपने मेरे बारे में इतना कुछ जाना और आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी, इसके लिए मैं आपका पुनः पुनः आभार प्रकट करता हूँ। और आपका चैनल का तो मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस चैनल ने कितने लोगों को आगे बढ़ाया, कितने लोगों की बातों को सुना है, कितने संस्कारों को आगे बढ़ाया, इसलिए मैं आपका भाई साहब आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।